इस वीडियो में जीपी की आखिरी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 20.6 फ्रॉम आरडी शर्मा बुक। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका बेस्ड है ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। तो सबसे पहले चीज, ये ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है इसको समझते हैं। तो देख, यदि आपके पास दो नंबर गिवन है, सपोज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब इन दो नंबर के बीच में अगर हम मान लेते हैं कुछ एन नंबर ऑफ टर्म्स, इसको इंसर्ट करें लाइक जी वन, जी टू, जी थ्री अप टू जी एन। तो ए और बी के बीच में हमने एन टर्म्स इंसर्ट किए। अब ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है, यदि ये इट इज इन जी पी, अगर ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जी पी में है, तो इट मीन्स ये जो आपके टर्म्स जो इंसर्ट किए हैं जी वन से लेके जी एन, ये कहलाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इतना क्लियर? तो देखिए, ये ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें, तो ये जो जी वन है ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जी पी में है, तो इस जी वन को हम कह सकते हैं सेकेंड टर्म ऑफ द जी पी। तो यहाँ पे जी वन ये हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो सेकेंड टर्म ऑफ द जी पी यूज कीजिए, मीन्स ए आर। सिमिलरली अगर हम जी टू की बात करें, तो थर्ड टर्म ऑफ द जी पी, इट मीन्स ए आर स्क्वायर। जी थ्री की बात करें, तो फोर्थ टर्म ऑफ द जी पी, मीन्स यहाँ पे ए आर क्यूब। और इसी प्रकार अगर हम जी एन की बात करें, तो ये बनेगा ए इंटू आर की पावर एन। ये क्लियर? इट मीन्स अगर हम ए में आर का मल्टीप्लीकेशन करें तो जी वन मिलेगा, फिर इसमें आर का मल्टीप्लीकेशन करें तो जी टू मिलेगा, फिर इसमें आर का मल्टीप्लीकेशन करें तो जी थ्री मिलेगा, और इसी प्रकार जी एन मिल जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ये क्या होता है, ये क्लियर है? इन नंबर को इंसर्ट करने के बाद अगर ये पूरा का पूरा सिक्वेंस यदि जी पी में है, तो ये जो नंबर इंसर्ट किया गया है किसी को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ये क्लियर? अब यहाँ पे ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो मालूम है, कॉमन रेशियो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, कॉमन रेशियो यहाँ पे निकालने के लिए अगर हम बी इसका यूज करें, तो ये एक टर्म है, ये टोटल एन टर्म है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एन प्लस वन टर्म हुआ, और ये बी एक और टर्म यानी कि एन प्लस टू। तो ये जो b है इसको हम n प्लस टू एच टर्म ऑफ द जी पी कह सकते हैं। तो b b को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस टू एच टर्म ऑफ द जी पी। इसमें इट मीन्स a इंटू आर की पावर n प्लस टू माइनस वन, ये बनेगा। अब इस a को अगर हम नीचे ले आए, तो b अपॉन a इज इक्वल टू आर की पावर n प्लस वन। ये क्लियर? तो यहां से r r को हम लिख सकते हैं b अपॉन a टू द पावर वन अपॉन n प्लस वन। तो यहां से आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा, ए मालूम होगा, आर मालूम होगा, जी वन, जी टू, जी एन, ये सारे टर्म हम निकाल सकते हैं। तो आर यहाँ पे कैसे निकालना है, बी अपॉन ए होल टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन। इतना क्लियर ना? अब यदि ए और बी दो टर्म है, अब इसके बीच में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करना है। तो मान लेते एक ज्योमेट्रिक मीन जी, ये हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जी, जी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू आर, और इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों टर्म जी पी में होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जी पी यूज करा जाए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो जी अपॉन ए, ये इक्वल होगा थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, तो बी अपॉन जी। इतना क्लियर? तो जी इंटू जी, जी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ से जी इक्वल टू हम रूट ए बी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं अगर दो नंबर के बीच में, तो जी इक्वल टू सिंपली रूट ओवर ए इंटू बी करना है। ये क्लियर? अब अगर हम रूट ओवर ए इंटू बी कह रहे हैं, तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है। अगर ए और बी ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तो देखिए अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, रूट के अंदर माइनस, तो रियल नंबर नहीं आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन इसका मतलब तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन ए एंड बी इज ऑफ सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तभी हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। अगर दोनों अपोजिट साइन के होंगे, इन दैट केस ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर ना? अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, इंसर्ट सिक्स ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 27 एंड 1/81। अगर हम इसे मान लें स्मॉल ए, इसे हम मान लें स्मॉल बी, तो ए और बी के बीच में हमें सिक्स ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। मीन्स 27 से लेके 1/81 के बीच में हमें जी वन, जी टू, जी थ्री,
जी फोर, जी फाइव एंड जी सिक्स, ये सिक्स जो मैट्रिक में इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहला काम आर निकालना, कॉमन रेशियो निकालना। तो आर इक्वल्स टू होता है बी अपॉन ए होल टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हमें सिक्स ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो इस एन के प्लेस पे आएगा सिक्स। ये क्लियर? तो आर इक्वल्स टू बी, बी के प्लेस पे वन अपॉन एटी वन एंड अपॉन ए, तो अपॉन ट्वेंटी सेवन को इंटू वन अपॉन ट्वेंटी सेवन लिख सकते हैं। देन होल टू द पावर वन अपॉन एन, एन के प्लेस पे सिक्स प्लस वन, ये आ गया। तो आर यहाँ से आ गया वन अपॉन एटी वन, इसको हम लिख सकते हैं थ्री की पावर फोर, और यहाँ ट्वेंटी सेवन इसको लिख सकते हैं थ्री की पावर थ्री, और यहाँ होल टू द पावर वन अपॉन सेवन। तो ये बन गया वन अपॉन थ्री की पावर सेवन और इसकी होल पावर वन अपॉन सेवन, इट मीन्स कॉमन रेशियो आ गया वन अपॉन थ्री। सो पहला जो टर्म है ए, ये ट्वेंटी सेवन है, तो जी वन ये क्या बनेगा ए इंटू आर, तो ट्वेंटी सेवन इंटू वन बाय थ्री, तो नाइन। फिर जी टू क्या बनेगा नाइन इंटू आर, तो नाइन इंटू वन बाय थ्री थ्री, नेक्स्ट थ्री इंटू वन बाय थ्री वन, नेक्स्ट वन इंटू वन बाय थ्री वन बाय थ्री, नेक्स्ट वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री वन बाय नाइन, वन बाय नाइन इंटू वन बाय थ्री तो वन बाय ट्वेंटी सेवन, और ये इसके बाद वन बाय एट्टी वन था। तो ये जो छः ज्योमेट्रिक मीन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये इंसर्ट हो गए इन बिटवीन ट्वेंटी सेवन एंड वन बाय एटी वन। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फाइव ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन सिक्सटीन एंड वन बाय फोर। तो देखिए पहला नंबर है सिक्सटीन और लास्ट नंबर है वन बाय फोर, और इसके बीच में हमें फाइव ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, मीन्स जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, जी फाइव। ये क्लियर? तो कॉमन रेशियो आर ये क्या बनेगा, तो बी अपॉन ए, तो अपॉन सिक्सटीन को हम देख सकते हैं इंटू वन बाई सिक्सटीन, देन होल टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन। तो फाइव जो मैट्रिक में इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव प्लस वन। ये क्लियर? तो यहाँ से आर ये हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर, फोर को लिखा जा सकता है टू का स्क्वायर, और सिक्सटीन इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर फोर, देन होल टू द पावर वन अपॉन सिक्स, तो वन अपॉन टू की पावर सिक्स देन होल टू द पावर वन बाई सिक्स, तो ये आ गया वन बाय टू। ये क्लियर? तो पहला नंबर था सिक्सटीन, फिर जी वन ये क्या बनेगा, तो सिक्सटीन इंटू वन बाई टू तो एट, नेक्स्ट एट इंटू वन बाई टू तो फोर, नेक्स्ट फोर इंटू वन बाई टू तो टू, नेक्स्ट टू इंटू वन बाई टू तो वन, नेक्स्ट वन इंटू वन बाई टू तो वन बाई टू, और फिर लास्ट वन वॉज वन बाई फोर। तो ये फाइव जो मैट्रिक मीन ये इंसर्ट हो गए। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी फाइव जो मैट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन थर्टी टू अपॉन नाइन एंड एटी वन अपॉन टू। तो जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर एंड जी फाइव ये इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो बी अपॉन ए, तो अपॉन थर्टी टू अपॉन नाइन को इंटू में नाइन अपॉन थर्टी टू लिख सकते हैं, देन होल टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन, तो फाइव प्लस वन। ना यहाँ से आर ये आ गया एटी वन, इसको हम लिख सकते हैं थ्री की पावर फोर और नाइन थ्री का स्क्वायर, टू टू की पावर वन और थर्टी टू टू की पावर फाइव, देन होल टू द पावर वन बाई सिक्स। तो ये बन गया थ्री की पावर सिक्स अपॉन टू की पावर सिक्स देन होल टू द पावर वन बाई सिक्स। तो कॉमन रेशियो यहाँ से आ गया थ्री अपॉन टू। इतना क्लियर? तो फर्स्ट नंबर वॉज थर्टी टू अपॉन नाइन, देन जी वन ये क्या बनेगा, तो थर्टी टू अपॉन नाइन इंटू थ्री बाई टू, तो ये सिक्सटीन टाइम में कैंसिल, ये थ्री थ्री जा नाइन, तो सिक्सटीन अपॉन थ्री, नेक्स्ट सिक्सटीन अपॉन थ्री इंटू थ्री बाई टू, तो थ्री थ्री कैंसिल, टू एट या सिक्सटीन, तो नेक्स्ट आ गया एट, देन नेक्स्ट एट इंटू थ्री बाई टू तो ट्वेंटी फोर बाई टू ट्वेल्व, नेक्स्ट ट्वेल्व इंटू थ्री बाई टू तो थर्टी सिक्स बाई टू एटीन, नेक्स्ट एटीन इंटू थ्री फिफ्टी फोर बाई टू ट्वेंटी सेवन, और नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री तो ये हो गया एटी वन बाई टू, जो कि लास्ट नंबर था। तो इन दोनों के बीच में ये जो फाइव ज्योमेट्रिक मीन है ये इंसर्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन दीज पेयर ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होता है रूट ओवर ए इंटू बी, तो इसको यूज कीजिए।
फर्स्ट केस में ज्योमेट्रिक मीन ये इक्वल टू बनेगा रूट ओवर 2 इंटू 8 यानी कि रूट ओवर 16, ये आ गया प्लस माइनस 4, क्लियर। नाउ सेकेंड केस में ज्योमेट्रिक मीन ये बनेगा रूट ओवर ए क्यूब इंटू बी और फिर इंटू ए बी क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, ये क्लियर। तो ये यहां से आ गया प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आंसर बन जाएगा। नाउ थर्ड केस है, यहां पे जो मैट्रिक मीन ये बनेगा रूट ओवर माइनस 8 इंटू माइनस 2, तो माइनस 8 इंटू माइनस 2, तो ये आ गया रूट ओवर 16 यानी कि प्लस माइनस 4, क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है कि यहां कह रहा है कि यदि ए जो है जो मैट्रिक मीन है 2 एंड 1 बाय 4 का, तो ए हमें फाइंड करना है। तो देखिए ए कह रहा है जो मैट्रिक मीन है इन दो नंबर का, तो यहां पे ए इक्वल टू क्या बनेगा रूट ओवर 2 इंटू 1 बाय 4, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो ए आ गया रूट ओवर 1 बाय 2, तो यहां से ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये आंसर बन जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहां पे हमें प्रूफ करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू दी nth पावर ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज। देखिए दो क्वांटिटी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू अप टू gn, इन n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट ये जो है उन दो क्वांटिटीज के बीच का ज्योमेट्रिक मीन यानी कि रूट ओवर ए बी, इसकी पावर जो है nth पावर कह रहा है, तो इसकी पावर एन होगा, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अगर हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इसको कंसीडर करें, तो जी वन को हम लिख सकते हैं ए इंटू आर, जी टू ए आर स्क्वायर, जी थ्री ए आर क्यूब और अप टू जी एन ए इंटू आर की पावर एन, ये क्लियर। तो यहां से ये पूरा बन जाएगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स, तो ए को मल्टीप्लाई करना है एन टाइम्स, तो ये बन गया ए की पावर एन, ये क्लियर। अब यहाँ हर जगह जो है बेस सेम है, तो इनटू में पावर ऐड हो जाएगा, तो आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन, ये बनेगा। नाउ इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन देन इनटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन, ये बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये क्लियर। तो r की पावर बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। नाउ a की पावर n और कॉमन रेशियो, तो ये हम क्या लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और देन इसकी पावर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये बनेगा। अब हम जानते हैं कि a की पावर m पावर n, a की पावर m इंटू n होता है, तो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एन प्लस वन एन प्लस वन कैंसिल, ये बन गया ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन बाय टू अपॉन ए की पावर एन बाय टू, इतना क्लियर। नाउ ए की पावर एन और ये अगर हम ऊपर ले जाए तो माइनस एन बाय टू इंटू बी की पावर एन बाय टू बनेगा, ये क्लियर। एन माइनस एन बाय टू ये एन बाय टू हो जाएगा, ए की पावर एन बाय टू इंटू बी की पावर एन बाय टू बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर हाफ यानी कि ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ और देन इसकी पावर एन, ए की पावर एन बाय टू इंटू बी की पावर एन बाय टू, इसको हम लिख सकते हैं ए बी की होल पावर वन बाय टू और देन इसकी होल पावर एन, इतना क्लियर। और ए बी की पावर हाफ ये बन गया रूट ओवर ए बी और देन ये पावर एन, और यही था राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया, क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन है, यहां कह रहा है कि किसी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन 25 है, ज्योमेट्रिक मीन 20 है, तो वो दोनों नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो देख अगर हम दोनों नंबर मान ले, लेट द टू नंबर्स बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इतना क्लियर। तो एपी वाले चैप्टर में हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन ये होता है ए प्लस बी अपॉन टू,
अर्थमेटिक मीन ये दिया हुआ है 25, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू बन गया 50, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब a और b इन दो नंबर का जो मैट्रिक मीन ये दिया हुआ है 20, इट मीन्स रूट ओवर ए बी ये इक्वल टू 20। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ए बी इक्वल टू 400 ये बन जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें तो यहाँ पे ए एज इट इज इस बी बी के प्लेस पे लिख सकते हैं 50 माइनस ए, तो 50 माइनस ए इक्वल टू 400, ये क्लियर ना। ये बन गया माइनस ए स्क्वायर देन प्लस 50 ए और देन ये लेफ्ट में आया तो माइनस 400 इक्वल टू 0। अब माइनस का डिवीजन कर दीजिए दोनों साइड, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 50 ए और ये प्लस 400 इक्वल टू 0, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कीजिए, तो ये है 400 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम माइनस 40 ए माइनस 10 ए लिख सकते हैं इस माइनस 50 ए को, तो इस माइनस 50 ए के प्लेस पे आ गया माइनस 40 ए माइनस 10 ए एंड प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से ए कॉमन तो ए माइनस 40, अब इन दोनों टर्म से अगर माइनस 10 कॉमन निकाल ले तो ए माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से ए माइनस 40 कॉमन, तो यहां से मिल गया ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से ए ये आ गया 40 और यहां से ए 10 मिल जाएगा, ये क्लियर। सो व्हेन ए इक्वल टू 40 तो बी बी क्या हो जाएगा 50 माइनस 40 10, और व्हेन ए इक्वल टू 10 तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 40, तो दो नंबर आ गए 10 एंड 40, जिनका अर्थमेटिक मीन 25 होगा और ज्योमेट्रिक मीन 20 होगा। एट्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, कंडीशन गिवन है ए ग्रेटर देन बी है। अब ए और बी इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा ये जो है दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ ए एंड बी के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि ए इज टू बी ये इक्वल होगा 2 प्लस रूट 3 इज टू 2 माइनस रूट 3 के। तो देखिए इनका अर्थमेटिक मीन ये क्या होगा a प्लस बी अपॉन 2 और ये इक्वल्स दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ इनके ज्योमेट्रिक मीन के, तो रूट ओवर ए बी, तो ये गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पे रूट ए बी को नीचे ले आइए, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 इंटू रूट ए बी इज इक्वल्स टू 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। अब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो a प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी बनेगा एंड अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो a प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी बनेगा, और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो 2 प्लस 1 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो 2 माइनस 1, इतना क्लियर। अब a प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ इतने को लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, ये क्लियर। तो यहाँ से रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, इसको लिखा जा सकता है 2√3/1, ये क्लियर। अब यहाँ पे एक और बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ से ये बन जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो माइनस ऑफ दिस पार्ट तो माइनस रूट ए और ये प्लस रूट बी बनेगा, ये इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट 3/1 अपॉन रूट 3-1, इतना क्लियर। नाउ यहाँ पे रूट बी माइनस रूट बी कैंसिल, रूट ए माइनस रूट ए कैंसिल, तो ये आ गया 2√a अपॉन 2√b, 2 भी कैंसिल इज इक्वल टू √3/1 अपॉन √3-1।
अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो रूट ए अपॉन रूट बी का स्क्वायर ए अपॉन बी, और यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर, देन ट्वाइस ऑफ रूट थ्री इंटू वन, तो टू रूट थ्री, देन प्लस वन का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर, टू इंटू रूट थ्री इंटू वन, तो माइनस टू ए बी होता है, तो माइनस टू रूट थ्री, और देन प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस वन का स्क्वायर, ये आ गया। तो ए अपॉन बी यहाँ से आ गया थ्री प्लस वन फोर, प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर माइनस टू रूट थ्री। अब ये चारों टर्म को टू से कैंसिल कर दीजिए, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री। सो ए इज टू बी, ये बन गया टू प्लस रूट थ्री इज टू टू माइनस रूट थ्री, और यही हमें प्रूफ करना था। नाइन्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है कि कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है, तो सबसे पहला काम दो पॉजिटिव नंबर अगर हम मान ले, लेट द टू नंबर्स बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो अब कह रहा है इन दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में हमें एक अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए इंसर्ट करना है, मीन्स ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी, ये कंडीशन बनेगा। अब ये तीन टर्म ए पी में है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस द मिडिल टर्म, ये इक्वल्स टू होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट कंडीशन है टू ज्योमेट्रिक मीन जी वन एंड जी टू इंसर्ट करना है इन बिटवीन ए एंड बी, इट मीन्स ए जी वन जी टू और बी ये आर इन जी पी बनेगा, ये क्लियर। जहाँ पे जी वन ये बनेगा ए इन टू आर, और जी टू थर्ड टर्म ऑफ द जी पी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इन टू आर स्क्वायर, ये क्लियर। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो इसकी बात करें, तो यहाँ पे ये बन जाएगा बी अपॉन ए, और दो जो मैट्रिक मैंने इंसर्ट किए हैं, तो पावर वन अपॉन टू प्लस वन यानी कि थ्री, तो ये आ गया कॉमन रेशियो, इतना क्लियर। तो हमें प्रूफ करना है कि जी वन स्क्वायर अपॉन जी टू प्लस जी टू स्क्वायर अपॉन जी वन ये इक्वल्स टू टू ए होगा। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसको कंसिडर करें, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है जी वन स्क्वायर अपॉन जी टू प्लस जी टू स्क्वायर अपॉन जी वन, ये क्लियर। तो जी वन स्क्वायर, तो जी वन स्क्वायर मतलब ए आर का स्क्वायर अपॉन जी टू ए आर स्क्वायर, और प्लस जी टू का स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन जी वन ए आर, ये बन जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर, देन यहाँ पे ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर फोर अपॉन ए आर, ये क्लियर ना। ए से ये स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आर की पावर फोर, यहाँ आर क्यूब बचा, ए से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ए, देन प्लस यहाँ से मिल गया ए आर क्यूब, ये आ गया, इतना क्लियर ना। अब ए प्लस ए आर, आर के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दीजिए, तो आर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए की पावर वन बाय थ्री, और आर का क्यूब है तो इसकी होल पावर क्यूब, ये क्लियर। तो ये आ गया ए प्लस ए इंटू बी अपॉन ए की पावर वन बाय थ्री इंटू थ्री, वन बनेगा, तो ये बन गया ए प्लस ए इंटू बी अपॉन ए की पावर वन, बी अपॉन ए, ए और ए कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी, और ए प्लस बी इसके प्लेस पे हम ट्वाइस ऑफ ए लिख सकते हैं बाई यूजिंग वन, ए प्लस बी इसके प्लेस पे ट्वाइस ऑफ ए आ गया, और यही था राइट हैंड साइड, तो इक्वल्स टू आर एच एस। सो हम कह सकते हैं कि जी वन स्क्वायर अपॉन जी टू प्लस जी टू स्क्वायर अपॉन जी वन ये इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। टेंथ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कंडीशन गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए है और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनावे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मान ले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी होगा, तो लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्मॉल ए
एंड स्मॉल बी, ये क्लियर। तो इनके रूट्स का अर्थमेटिक मीन यानी कि ए प्लस बी अपॉन टू, ये दिया हुआ है कैपिटल ए, तो यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, ये लिख सकते हैं। और ए प्लस बी कहने का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। नाउ अब ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी दिया हुआ है, तो इनके ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ओवर ए बी, ये इक्वल टू जी है। अब यदि हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें तो ए बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। अब इसका मतलब क्या हो गया, ए बी कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल गया। सो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। यदि हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, इसको यूज कीजिए। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्लियर क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि दो नंबर का सम ये जो है इक्वल है सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन के, तो प्रूफ करना है कि उन दोनों नंबर का रेशियो जो है ये बनेगा थ्री प्लस टू रूट टू इज टू थ्री माइनस टू रूट टू। तो सबसे पहली चीज वो जो दो नंबर है इनको अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट द टू नंबर्स बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये क्लियर। तो हमें प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ इन दो नंबर का जो रेशियो है यानी कि ए इज टू बी ये इक्वल होना चाहिए थ्री प्लस टू रूट टू इज टू थ्री माइनस टू रूट टू के, ये क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है इन दो नंबर का सम यानी कि ए प्लस बी ये इक्वल टू दिया हुआ है सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो इक्वल टू सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन ये बनेगा, और सिक्स को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, इतना क्लियर। नाउ टू इंटू रूट ए बी इसको नीचे ले आइए, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ए बी इज इक्वल टू थ्री, और थ्री को हम लिख सकते हैं थ्री अपॉन वन। अब यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी ये इक्वल होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये क्लियर। नाउ ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी इसको हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और इतने को लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बन गया फोर अपॉन टू यानी कि टू अपॉन वन, ये क्लियर। और टू अपॉन वन को हम लिख सकते हैं रूट टू अपॉन वन का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। तो यहाँ से रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी ये इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट टू अपॉन वन, ये क्लियर। अब यहाँ एक और बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस ऑफ दिस पार्ट तो माइनस रूट ए और ये प्लस रूट बी बनेगा, ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, इतना क्लियर। नाउ रूट बी माइनस रूट बी कैंसिल, रूट ए माइनस रूट ए कैंसिल, ट्वाइस ऑफ रूट ए ट्वाइस ऑफ रूट बी ये इक्वल टू बन गया रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, ये क्लियर। टू और टू कैंसिल, अब यहाँ स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे रूट ए अपॉन रूट बी का स्क्वायर तो ए अपॉन बी, और यहाँ पे रूट टू प्लस वन का स्क्वायर तो रूट टू का स्क्वायर टू, देन टू इंटू रूट टू इंटू वन तो टू रूट टू, देन वन का स्क्वायर, यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर टू,
एंड माइनस टू इंटू रूट टू इंटू वन, तो टू रूट टू एन प्लस वन का स्क्वायर, ये क्लियर। तो ए अपॉन बी ये आ गया 3 प्लस टू रूट टू अपॉन 3 माइनस टू रूट टू, तो ए इज टू बी ये बन जाएगा 3 प्लस टू रूट टू इज टू 3 माइनस टू रूट टू, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। 12th क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ये दिया हुआ है 8 और 5 रिस्पेक्टिवली, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करने हैं। तो देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अगर मान ले स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इतना क्लियर। अब इनके रूट्स का अर्थमेटिक मीन यानी कि ए प्लस बी अपॉन टू ये दिया हुआ है 8, एंड ज्योमेट्रिक मीन यानी कि रूट ओवर ए बी ये दिया हुआ है 5, ये क्लियर। तो यहां से ए प्लस बी ये इक्वल्स टू हम देख सकते हैं 8 × 2 = 16, तो इसको हम सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दे, तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू 25 जो कि बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये मालूम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, ये क्लियर। सो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स देन प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ये दिया हुआ है 10 और 8 रिस्पेक्टिवली, तो हमें ये नंबर्स फाइंड करने हैं, मीन्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी निकालने हैं। तो देखिए, इस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का अर्थमेटिक मीन ये दिया हुआ है 10, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से ए प्लस बी इक्वल्स टू 20 लिखा जा सकता है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन ये दिया हुआ है 8, तो रूट ओवर ए बी ये इक्वल्स टू 8 बन जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो ए बी इक्वल्स टू 64, ना ए एज इट इज, इस बी के प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 20 माइनस ए बाई यूजिंग 1, तो बी के प्लेस पे लिख दीजिए 20 माइनस ए इज इक्वल्स टू 64, इतना क्लियर। नाउ ए इंटू माइनस ए स्क्वायर देन प्लस 20 ए, और ये लेफ्ट में आया तो माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब माइनस से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पे ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कीजिए, तो ये है 64 ए स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 20 ए इसके प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस 16 ए माइनस 4 ए और देन प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म से ए कॉमन तो ए माइनस 16, इन दोनों टर्म से माइनस 4 कॉमन तो ए माइनस 16 इक्वल्स टू 0, इन दोनों टर्म से ए माइनस 16 कॉमन तो ए माइनस 4 आएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा 16 और यहाँ से ए मिल जाएगा 4, ये क्लियर। नाउ अब व्हेन ए इक्वल टू 16 तो बी क्या आ जाएगा 20 माइनस 16 4, और व्हेन ए इक्वल टू 4 तो बी आ जाएगा 20 माइनस 4 16, तो ए एंड बी ये नंबर आ गए 4 और 16, क्लियर।